सो हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धि रॉय, यू वाचिंग स्काई इज द लिमिट। सो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा, एक यूनिवर्सिटी अभी एग्जामिनेशन ऑनलाइन में अनाउंस कर दिए हैं। ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी बहुत टाइम वेट कर रहे थे कब एग्जामिनेशन ऑनलाइन में होगा, तो ये आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ और एक अपडेट है जो कि थोड़ा बैड न्यूज़ है, और ये न्यूज़ है आपका गुड न्यूज़ जो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन में एग्जामिनेशन देने का मौका मिलेगा। तो बैड न्यूज़ और एक गुड न्यूज़ दोनों मैं आपको दूंगा। वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जो बैड न्यूज है वो आपको दिखा देता हूं। आपको पता है कुछ कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन ऑफलाइन में ही लेंगे बोल रहे हैं, वो आपका किसी भी हालत पे ये नहीं बोल रहे कि ऑनलाइन में एग्जामिनेशन होगा। और ये भी बोल रहा है आरबीयू की तरफ से, आप देख सकते हैं यहाँ पे रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, उनकी तरफ से ये भी बोला गया कि ये जो डिसीजन है ये स्टूडेंट्स के हित के बारे में सोच के लिया गया है। तो कैसे स्टूडेंट्स के हित के बारे में सोच के है, उसका आंसर स्टूडेंट्स ऐसे मांग रहे हैं कि कैसे आप सिलेबस कंप्लीट ना करवा के, सब कुछ ना करवा के आप बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स के हित के बारे में सोच के, जहां पे अदर्स भी ऑनलाइन में ले रहे हैं, आप ऑफलाइन में लेके ऐसा बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स के हित पे डिसीजन है। इसके लिए देख सकते हैं आप, ऑनलाइन परीक्षा दाबीते घेराव रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी उपाचार्य फेरल इन पुलिस के, मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट्स अभी ह्यूज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बैड न्यूज है क्योंकि स्टूडेंट्स को फाइट करते जाना पड़ रहा है, करते जाना पड़ रहा है। अदर्स यूनिवर्सिटी अनाउंस कर रहे हैं, फिर भी कुछ कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी है जो अनाउंस नहीं कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन ऑनलाइन में होगा। तो आप ये सोचिए कि आपके जो फ्रेंड है उनका एग्जामिनेशन ऑनलाइन में होगा, आपको अगर पता चले आपका ही सिर्फ ऑफलाइन में होगा, आप उतना अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्लास ऑफलाइन मोड पे ठीक ठाक से नहीं हुआ है, तो कैसा आपको लग सकता है? ये एक बैड न्यूज़ ही है। पर हाँ, गुड न्यूज़ ये है कि स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं, और ऐसा ही अगर फाइट होता रहे तो हो सकता है फिर से KU या फिर BU आपका जो विद्यासागर यूनिवर्सिटी है या फिर आपका कल्याणी यूनिवर्सिटी है, इनके तरह इनको भी, ये जो रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी है या फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी है, इनको अपना डिसीजन चेंज करना पड़ जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको गुड न्यूज़ अब दिखा देता हूँ कि मेन आपका गुड न्यूज़ क्या है आज का वीडियो में। अब चलिए जो अच्छा न्यूज़ है, जो गुड न्यूज़ है वो भी आपको दिखा देता हूँ। वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से ये अनाउंस कर दिया गया है कि आपका एग्जामिनेशन CBCS के अंडर में जो जो है सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ एक्चुअली, उनके एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड पे ही होगा। देख सकते हैं आप क्या लिखा है, इट इज़ हियर बाय नोटिफाइड फॉर इन्फॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न दैट कंसिडरिंग रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस कॉर्नर्स एंड स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट conducting of undergraduate semester 2nd, 4th and 6th examination 2022 under CBCS pattern, West Bengal State University shall be held through online mode in view of changing teaching learning mode for the current academic session or semester। तो यहाँ पे clearly बोल दिया गया है, सब कुछ देखते हुए West Bengal authority, West Bengal State University के जो authority हैं वो ये decision लिए है कि examination 2nd, 4th and 6th का online mode पे ही होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा news है, बहुत ही important news है, बहुत ही अच्छा good news है जो कि students को मिला है। ये कल ही अपडेट आया था, उसके साथ साथ देखिए एक बैड न्यूज़ भी आया था, इसलिए दोनों वीडियो मैंने एक साथ बनाया, दोनों पार्ट, कि स्टूडेंट्स को आरबीयू में फिर से प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। तो जहाँ पे अदर्स अनाउंस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, कल्याणी यूनिवर्सिटी हो गया, विद्यासागर यूनिवर्सिटी हो गया, ये अगर अनाउंस कर सकते हैं तो बाकियों को भी एक एक करके अनाउंस करना चाहिए। मैकआउट भी अनऑफिशियली अनाउंस कर दिया, जस्ट ऑफिशियल नोटिस के लिए वेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो सभी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन में ले रहे हैं, सिर्फ कुछ कुछ यूनिवर्सिटी को मुझे लगता है कि ऑफलाइन में नहीं लेना चाहिए। इससे क्या होता है, एक पूरा जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है उनमें से कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी होगा। तो आई डेफिनेटली डोंट सपोर्ट दैट, एंड स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट है, स्टूडेंट्स चाहते हैं अभी एग्जामिनेशन ऑनलाइन में देना क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड UGC की तरफ से भी फोर्स नहीं किया जा रहा है कि ऑफलाइन में ही लेना पड़ेगा। तो डिसीजन ऐसा क्यों आ रहा है, इसके बारे में यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को सोचना चाहिए। तो यही था आज का वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज एक बहुत ही बड़ा सक्सेस मिला है स्काई इज द लिमिट के जो स्टूडेंट्स है, क्योंकि हम लोगों का प्रोटेस्ट, हम लोगों का मास मिलिंग रंग लाया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।